them on off his tail, trying to go down on that great big hill of home. हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सारे लोग अच्छे होंगे। चलिए इस ब्लॉग को फिर शुरू करते हैं और आज दिखाना चाहेंगे आप लोगों को ट्राइब कार्ड की D3 और किस प्रकार की ये प्रोग्राम होने वाली है। तो चलिए हमारे इस ब्लॉग में बने रहिएगा, जरूर से आकृति देखिएगा। और मैं जा रहा हूँ फूड स्टॉल में, तो आप लोगों का फूड स्टॉल्स लेकर के जाते हैं। आप लोग वहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें आई हुई है, और हो सकता है आज लास्ट डे है तो आप लोग जरूर से पहुँचिए। तो चलिए फूड स्टॉल पर चलते हैं। सो गाइज, मैं पहुंच चुका हूं फूड स्टॉल में, और यहां पर देखिए ये बंदे लोग जो है ना, यहां पर ये लोग शुरू हो गए हैं। बस D3 का मज़ा यही लोग ले रहे हैं। आपको दिखाते हैं बैक कैमरा से। गाइज अब देखिए, इधर है एंजल, उनकी मम्मी राहुल, और इधर बेटा को देखिए, एंजल को देखिए। क्या मिल गया मम्मा? हाय। एंजल बहुत खुश है, और वो आज पहली बार आई है क्योंकि आज आखिरी डे है, और इसके बाद में अगर नहीं आएगी तो फिर वो मिस कर जाएगी। इसलिए हम सबों ने प्लान किया कि चलो भाई पूरी फुल फैमिली के साथ में आया जाए। और आज यहाँ पर जो खाना पीना हो रहा है वो है अरोमा रेस्टोरेंट की ओर से। तो देखिए ये है अरोमा रेस्टोरेंट, और लोग धीरे धीरे आना शुरू कर दिए हैं, और ये है अरोमा का फूड स्टॉल। गाइस ये देखिए, मस्त सा चीज़ मिला है मुझे। ये क्या है? ये पापड़ी चाट है। ऑलराइट, देखिए काफ़ी डिलीशियस है। और मैं आया हूँ अरोमा रेस्टोरेंट के पास में। इधर जितने भी स्टॉल्स लगी हुई है ये सारे फूड स्टॉल्स हैं, तो आप सब जल्द से जल्द आइए और यहाँ पर का आनंद लीजिए। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी आपको मिलेगी। मैं आया हूँ पहला जो स्टॉल है इधर फूड स्टॉल में, सबसे पहला स्टॉल है ये अरोमा रेस्टोरेंट की। तो गाइज़ आइए, कितनी टेस्टी बनी हुई है, तो इसे थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। पापा, कैसे लग रहा है? नहीं सुने देखा, क्योंकि ईयरफोन तो मेरे पास में। मेरे पास चॉकलेट है। ये है 60 रुपया का चॉकलेट। यहाँ देखिए चाट खा रहे हैं, हम लोग पहले ही खा लिए ना। तो बहुत ही दम लाजवाब। आप लोग भी आइए, और चाट का क्या, टाटा रोड में अरोमा रेस्टोरेंट है, वहाँ जा करके आप इस चाट का आनंद उठा सकते हैं। उनकी एक छोटी सी बहन मिली है, इसीलिए उसकी छोटी बहन आई है ना, मिल रही है उससे। हाय कर दो, देखिए हाय कर रही है। यहाँ पर दो दीदियाँ हैं, उनकी स्टॉल की नाम, आपके स्टॉल की नाम क्या है? हमारा स्टॉल का नाम आयु अंजार है। एग्जैक्ट वो हमारे लैंग्वेज से बोला जाए तो आयु अंजार मतलब माँ का आंचल होता है। माँ का आंचल, ओके ठीक है। ये इसमें देखिए बहुत सारे साड़ियाँ रखी हुई हैं, और ट्रेडिशनल साड़ीज रखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे साड़ियाँ हैं, और बहुत ही कल्चरल वाली साड़ी सब है। और ये साड़ी कैसे बनाए हैं इसको? ये बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। इसमें जो पेंटिंग्स दिए हुए हैं ना, देखिए वो बहुत खूबसूरत तरीका से दी गई में। ये भी मुझे लगता है कि ये सारे लोग, आप लोग खुद से बनाए हैं सारे चीज़ों को? ये मशीन से बनाया गया है। अच्छा, संथालियों के लिए ये ट्रेडिशनल साड़ी है। देखिए ऐसी पहले ज़माने में टाली का यूज़ करते थे, तो okay. उसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा लाया है, गाइस ये है। तो देखिए ये एड़ी 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 स्क्रब्स करने के लिए, अगर कहीं की एड़ी फटी हुई है ना, काम भी नहीं करेगा। हाँ, ये मिट्टी की बनी हुई है, लेकिन ये पकी हुई है इसलिए ख़राब नहीं होगी। ये बहुत बढ़िया है ये। और ये सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं इसको? ये कांसा का है, देखिए ये कांसा का है। ये जो सिर्फ बनी हुई है ना, ये बोट जो है ये भी बहुत खूबसूरत है, लोग बनाया जाता है। वाह,
ये जो भी बनाया है ना बहुत ही हाँ, हम लोग आदिवासी कल्चर वाले लोग भी बनाते हैं, माली संथाली ये सब हम लोग के गांव में मिलता है ये सब। अच्छा। तो उसको प्रेजेंट करने का यहाँ कोशिश किए हैं। बहुत सुंदर सब है, तो बहुत ये सब करते हैं सब बहुत सही बात है। एक एक चीज को बनाने के लिए आप देख सकते हैं ये काफी बेहतर तरीका से बनाया गया है, बहुत सुंदर है और बारीकी से बनाया गया है। इसमें डिजाइन वगैरह आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के हैं। प्रेजेंट करने के लिए तो आप लोग किस जगह से बिलोंग करते हैं ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। धनबाद से हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। देखिए रांची से बाहर है, धनबाद से मैथन डैम। ओके, बॉर्डर है बंगाल और झारखंड का। ओके, ये ज्वेलरी बॉक्स सब है। अच्छा, ज्वेलरी बॉक्स वगैरह सभी है। देखिए बहुत सुंदर प्लास्टिक का बना हुआ रहता है ना डब्बा के अंदर, डब्बा वाले जितना आप खोलते जाइएगा उसके अंदर जाएगा। बारीकी से बनाई गई है, बहुत काम जो है बहुत सुंदर तरीका से दिया गया है। और हम लोग को ये करना चाहिए, सही बात है, सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। बारीकी से बनाया है फिर ये सब भी लाइटिंग वाला सब डेकोरेशन वाला। यहाँ हमारे पास में दो दीदियाँ हैं, आप साइड हो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लोग दोनों आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं पूछना चाहूँगा आप लोग का जो स्टॉल का नाम है वो क्या है? हमारा स्टॉल का नाम है ओली बेक्स और ये होममेड है। ओके, होममेड बेकरी आइटम्स बनाते हैं, मोस्टली केक ही बनाते हैं। ओके, आप लोग रांची से ही है? हाँ। ओके, आप लोग कब से इस चीज़ को शुरू किए हैं? सिक्स मंथ हो गया है। और जैसे मैं देख रहा हूँ ये सारी चीज़ बहुत बढ़िया है। और चीज़ केक है। okay. जार केक है और इसके साथ फिर ड्राई फ्रूट केक है। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ब्राउनी भी है, ब्राउनी विद आइसक्रीम। ब्राउनी विद आइसक्रीम। ओके, आप लोग काफ़ी टैलेंटेड है। ये इस प्रकार से नहीं लगती कि आप लोग खुद से इस चीज़ को तैयार किए, लेकिन देख करके ये लगता है ना कि लगता है कि कहीं पर बनी हुई है। वाकई में आप लोग बहुत टैलेंटेड है। तो ये देख करके देखिए, काफ़ी खूबसूरत है। ओके, मैं दीदियों से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों के पास में कोई शॉप है? ओके, सो गाइस मैं यही आप लोगों को कहूँगा कि जरूर इन दीदियों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग आकर के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ये डिलीवर भी करते हैं आप लोग? ओके, तो आप अगर ऑर्डर करेंगे तो आपके घर भी पहुँच जाएंगे। यहाँ पर मैम है, और मैम मैं पूछना चाहूँगा आप शॉप का नाम क्या है? बनारसी कलेक्शन। बनारसी कलेक्शन। आप वैसे बेसिकली रांची से ही है? रांची से ही है। okay. सूट है, बनारसी बैग है और लखनवी चिकन साड़ी है जी। और सूट है और मैम के पास में काफ़ी सारे प्योर साड़ीज़ है। ये सारे जितने साड़ीज़ है ये सब क्या प्योर है मैम? ये सब प्योर है गाइस। यहाँ पर देखिए मैम के पास में जो साड़ीज़ है ना वो एकदम प्योर है, बनारसी से रिलेटेड। यहाँ पर मैम के पास में काफ़ी सारे कलेक्शन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सुंदर है। आप परचेज़ कीजिए, आपको पसंद आएगी। मैम के पास में काफ़ी सारी कलेक्शंस हैं, साड़ियाँ जो है वो काफ़ी खूबसूरत।
जॉयस कलेक्शन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है स्टॉल्स वाले के प्रिया तिग्गा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बिपिन रोशन बिंज रिजॉयस कलेक्शन थैंक यू सो मच सर प्रिया कलेक्शन थैंक यू सो मच मैम आस्था खलको कैथरीन्स आस्था खलको मिलवाएंगे थोड़ी देर में स्टॉल ओनर्स को रिक्वेस्ट करते हैं एक या दो जन जो भी आप लोग स्टेज के बाहर रहे क्योंकि जो बिजनेसमैन जो आने वाले हैं वो लोग बहुत ही लाइक वेल टू डू आज के डेट में हो गए हैं रांची बोल सकते हैं झारखंड बोल सकते हैं अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हो गए हैं फाइनेंशियली पावरफुल हो चुके हैं अब कुछ वर्ड्स लोग अपने तरफ से बोलेंगे तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग उसका वर्ड्स सुने quickly when I knew I should that the world was made up of this brother